बाड़मेर से लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में आज बायतू में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस सभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा नेता प्रवेश वर्मा, रिचपाल मिर्धा, प्रभा चौधरी और WWE के भारतीय खिलाड़ी और अब भाजपा नेता ग्रेट खली शामिल रहे। कैलाश चौधरी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर बुलडोजर खड़े होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। तत्पश्चात मंच से तमाम नेताओं का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जनता दरबार से खास बातचीत करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत का निर्माण किया जा रहा है और इस नए भारत और विकसित भारत की इबारत बाड़मेर जैसलमेर की धरती से लिखी जाएगी। और क्या कुछ कैलाश चौधरी ने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद है, बात करना चाहेंगे उनसे। कैलाश जी, एक युवा नेता के रूप में आपने भी शुरुआत करी थी और एक युवा से आपको चुनौती मिल रही है, कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर है। नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों में बसे हुए हैं और जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसी हुई है, इसीलिए तो इतने हजारों की संख्या में ये उत्साह और जोश आप देख रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह मोदी जी ने जो काम किए हैं, विकास करवाया है, और उसी की वजह से नरेंद्र मोदी जिले में बसे हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है, क्योंकि चुनौती का सामना और चुनौती का जवाब ये जनता दे रही है। कैलाश जी, आपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम करा है और कृषि राज्य मंत्री का आपको दर्जा प्राप्त है, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं कृषि को जोड़ते हुए, किसानों को जोड़ते हुए? अगर वो देखिए, हमारे यहाँ पर 10,000 FPO बनाए हमने, जिसमें यहाँ पर भी FPO बने, यहाँ पे FPO भी हमने बनाए हैं। यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के बाद में हिंदुस्तान का दूसरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर जैसलमेर में खुलवाया है, और यहाँ पर कॉलेज खुलवाई है, मेडिकल कॉलेज है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो मेरे किसानों को, यहाँ पर सभी किसानों को मिल रहा है। तो इसके साथ ही हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी प्रावधान किया है, और इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर को हमने बढ़ावा दिया है, जिससे यहाँ पर कभी मतलब जो फलदार पौधे होते बिल्कुल पैदा ही नहीं होते थे रेगिस्तान में, लेकिन आज हमारे अनार हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैदा हो रहा है, यानी कि लगभग 12,000 करोड़ का अनार एक साल में पैदा होना अनार का हब बन गया। खजूर यहाँ पे उत्पादन होने लगा, अंजीर होने लगा, ये सारी हमारी सरकार ने उनको सब्सिडी से उनको प्रमोट किया, किसानों को ट्रेनिंग दी, ताकि उसकी वजह से हमारे किसान यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और MSP की लागत से 1.5 गुना करने का काम किया, जिससे, और जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर उनकी बाजरे की अच्छी रेटें किसानों को मिलने लगी। तो ये किसानों के लिए हमने बहुत कुछ यहाँ पे किया है, और उसी लिए तो ये किसान सभी, ये किसान वर्ग, मैं भी किसान हूँ, सभी किसान यहाँ पर देखकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। एक सर आखिरी सवाल है, एक विपक्ष है ना, ये माहौल बना रहा है कि अगर 400 पार आ जाती है तो संविधान से छेड़छाड़ होगी, उस विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे और जनता जो कन्फ्यूज है उसको क्या कहना? ऐसा है, जिनको मालूम नहीं है उनको ये गुमराह कर सकते हैं। संविधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, संविधान हमारे लिए गीता है, कुरान है, बाइबिल है, और उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उनको समाप्त नहीं कर सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि 400 प्लस तो क्या, पूरी की पूरी सीटें आ जाए तो कौन सा संविधान टूट जाएगा? ये तो अधिकार है जनता का, जनता अगर 100% अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर देगी तो उसमें जनता का राइट है, अधिकार है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। हमारे साथ कैलाश चौधरी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनौती की जो बात कही जा रही है ऐसी कोई चुनौती नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैलाश चौधरी की ये जो लोकसभा सीट है ये भी साफ तौर पर निकल रही है और मोदी जी का 400 पार का सपना अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमा माथुर, जनता दरबार।